ओम श्री हनुमत नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए माह अगस्त 2021 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। अंत तक बने रहिए, बहुत शॉर्टकट में देंगे लेकिन विस्तार से देंगे। आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपकी पर्सनैलिटी, आपका धन परिवार, आपका भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, घर का सुख, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, प्रेम संबंध, आपकी नौकरी, तरक्की उन्नति, आपका वैवाहिक सुख, आपके कार्य व्यवसाय, बिजनेस पार्टनरशिप, विदेश यात्रा, करियर और लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। यह फलादेश मित्रों चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से भी आप इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए यह अगस्त का माह क्या शुभाशुभ प्रभाव लेकर आ रहा है। यहाँ पर आप सबसे पहले हेल्थ स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। देखिएगा, यहाँ के लॉर्ड आपके बृहस्पति 12वें घर में जाके बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वह क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका गड़बड़ाएगा। थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, आपका पराक्रम, आपका धैर्य, आपका साहस, आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी विल पावर, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी यहाँ पर डाउन होगी और कोई डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी और थोड़े हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शुभ स्थिति बन रही है। वह शुभ स्थिति ये बन रही है, 11 तारीख को जब शुक्र का ट्रांजिट होगा, शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे अपनी नीच की राशि में, तो वहां से वह अपने सप्तम भाव यानी आपके लगन को ही, फर्स्ट हाउस को ही उच्च की दृष्टि से देखेंगे और उनकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो 11 तारीख के बाद ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सब मैनेज होनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपकी कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की शैली, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी निखर कर उभर कर सामने आएगी, आप अपनी अच्छे से अपने को प्रेजेंट कर पाएंगे और फिर अपने धैर्य, साहस, संयम, बुद्धि, विवेक से निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो यह एक शुभ स्थिति है, 11 तारीख के बाद स्थिति आपके पक्ष में अनुकूल में आएगी। उसके बाद आपके फैमिली फाइनेंस की बात करते हैं, तो यहाँ के लॉर्ड आपके जो मार्स हैं वो आपके सिक्स हाउस में अपने मित्र राशि में सूर्य की राशि में सिंह राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि शुभ स्थिति है और उनकी दृष्टि भी भाग्य स्थान पर पड़ रही है, स्वग्रही राशि पर, यह और भी शुभ स्थिति है। तो यहां पर आपको परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा, अचानक से आपको आपके धन कोष में वृद्धि होगी, धन का लाभ आपको मिलेगा, आपको बड़े धन की प्राप्ति यहां पर हो सकती है, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी आपको यहां पर हो सकती है, परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। इससे पहले कोई डिफरेंसेस, मतभेद थे या किसी पैतृक संपत्ति को लेकर कोई तो आपका वाद विवाद था, वह भी दूर होगा और आपको बड़े धन की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, आपके जमा कोष, आपके धन कोष में वृद्धि और समय समय पर बड़ा लाभ, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, बड़े धन की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, उनका लाभ सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, चूंकि 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम भी आपका यहाँ पर स्ट्रांग है, बहुत अच्छी पोजीशन है। उसके बाद आपका पराक्रम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। वहाँ पर राहु जो संचार कर रहे हैं वो आपका पराक्रम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे हैं, आपकी ट्रैवलिंग यात्राओं से आपको लाभ बेनिफिट दे रहे हैं, जो आप छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, आपके शुभ चिंतक, वेल विशर, आपके सहकर्मी, आपके छोटे भाई बहन, उनसे लाभ सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन 11 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी आपके विपरीत होने वाली है, क्योंकि वहाँ के लॉर्ड जो आपके शुक्र हैं वह नीच राशि में संचार करेंगे, केंद्र में है लेकिन नीच राशि में, तो इसलिए थोड़े आत्मविश्वास में कमी आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम होगा, थोड़ी निगेटिविटी
अनजाना डर, अनजाना भय भविष्य को लेकर, इनसिक्योरिटी, जो ट्रैवलिंग छोटी मोटी होती है वहाँ से कोई नुकसान, कोई संबंध खराब होना, छोटे भाई बहन सहकर्मी उनसे कुछ नुकसान या धोखा चीटिंग, आपके वेलविशर शुभ चिंतक वहाँ से परेशानी, ये थोड़ी क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है 11 तारीख के बाद। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके फोर्थ हाउस की। यहाँ स्थिति आपके अनुकूल बन रही है, यहाँ स्थिति फिलहाल ठीक है, लेकिन 8 तारीख के बाद थोड़ी सी स्थिति, जो भी डिसीजन आप लें, कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, कोई वाहन आपको लेना है या नए मकान में प्रवेश करना है, वाहन घर में लाना है, तो कोशिश कीजिए कि 8 तारीख से पहले इस कार्य को आप कर लें, नहीं तो उसके बाद थोड़ी सी दिक्कतों का तो आपको सामना करना पड़ सकता है, थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है, लेकिन बहुत मेजर नहीं रहेंगी। आपकी माता जी की थोड़ी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनके साथ कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, अपनी माता जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में थोड़ा सुख शांति आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ा अशांति का माहौल बन सकता है, लेकिन अस्थायी नहीं है, बहुत कम समय के लिए है। उसके बाद स्थिति फिर आपके अनुकूल बन जाएगी, फिर आप भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ गेन करेंगे और घर में सुख शांति, तो आपके लग्जरी आइटम, सुख संसाधनों में वृद्धि और बहुत मेंटल पीस आप फील करेंगे, फिर अच्छी स्थिति आपके फेवर में, आप पक्ष में बन जाएगी। संतान पक्ष की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा संतान को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस संतान के साथ आपके हो सकते हैं, उभर सकते हैं। आपकी संतान का कोई विवाह शादी का संबंध टूटना, या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होना, या उनका एजुकेशन, नौकरी या कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में कोई परेशानी, या उनके साथ थोड़े मतभेद, या उनका असहयोग, सहयोग नहीं आपको मिलना, थोड़ा तालमेल, थोड़ा कोऑर्डिनेशन खराब होना, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। इसलिए थोड़ा थोड़े समय के लिए संयम रखें और अपनी संतान के साथ आप व्यर्थ लाभ, व्यर्थ के तो आप किसी वाद विवाद में आप मत पड़ें, उनके साथ दोस्तों वाला व्यवहार करें, उनकी बात को समझें धैर्यपूर्वक, फिर अपनी बात समझाने का प्रयत्न करें, थोड़ा संयम बनाए रखें, थोड़े समय की बात है, फिर स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी स्थिति है, थोड़ा तो कहीं प्रयास कर रहे हैं, एडमिशन लेना है, कोर्स करना है, बाहर जाना है, उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानी आ सकती है, थोड़ी एकाग्रता भंग हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ सकती है। सेम स्थिति जो जातक प्रेम संबंध वाले हैं उनके लिए भी तो आपकी यही स्थिति बन रही है, थोड़े प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं, थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस थोड़े समय के लिए क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा संयम रखिए, अपनी सूझबूझ और अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दीजिए, तो आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल हो जाएगी। नौकरी पक्ष वालों के लिए अच्छी स्थिति बन रही है, अचानक से नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, वहाँ से आप तरक्की, उन्नति करेंगे, और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की भी सीधी दृष्टि पड़ रही है, बहुत अच्छी स्थिति है। ऑलरेडी वहाँ पर सूर्य 16 तारीख को आ जाएंगे और मंगल वहाँ संचार कर रहे हैं, तो अचानक से 16 तारीख के बाद तो स्थिति और ही आपके पक्ष में आ जाएगी। अब तक अगर आप नौकरी को लेकर प्रयासरत थे तो निश्चित मानिए आपको नौकरी की प्राप्ति जरूर होगी, और पहले से ही कार्यरत है, कोई नौकरी कर रहे हैं उसमें तरक्की, उन्नति, इंक्रीमेंट अगर आपको रुके हुए थे तो इंक्रीमेंट्स आपको मिलेंगे, आप तरक्की, उन्नति करेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी, शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा, कोई शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा था मुक्ति मिलेगी, वहाँ आपका वर्चस्व बनेगा, कोई कर्जे की, कोई ऋण की स्थिति बनी हुई है या कोई बीमारी की स्थिति बनी हुई है उससे भी मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। अच्छा समय, थोड़ा प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, आप तरक्की, उन्नति करेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर स्थिति देखिए 8 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है और 11 तारीख को, चूंकि वहाँ पर आपके देवगुरु बृहस्पति भी आ जाएंगे, लेकिन 11 तारीख से 26 तारीख तक जो स्थिति बनेगी, 8 से लेकर 26 तारीख तक आप मान के चलिए, वहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे आपके 11 तारीख को नीच के आपके भ्रमण करेंगे, जो कि अष्टमेश होकर आपके सप्तम स्थान में चले गए, तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यह प्रॉब्लम रहेगी आपके साथ खास तौर से 26 तारीख तक मानिए, क्योंकि 26 तारीख को फिर वहाँ बुध उच्च, वहाँ पर आपके बुध जो हैं वह अपनी उच्च की राशि में फिर प्रवेश करेंगे 26 तारीख को, और यहाँ पर भद्र नामक योग बनेगा और शुक्र वहाँ नीच के चल रहे, तो इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पर, अगर आप विवाहित हैं
तो थोड़ा संयम, थोड़ा धैर्य बरतने की जरूरत है, किसी वाद विवाद की स्थिति में मत पड़े, वरना आपके डिफरेंसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और यह जो आपके वाद विवाद आपके घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं, डिवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा संयम रखते हैं थोड़े समय के लिए, तो ये स्थिति आपकी टल जाएगी। और अगर अविवाहित हैं या विवाह शादी का संबंध कहीं बनने जा रहा है, उसमें थोड़े से व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ या तारीखें आगे के लिए पोस्टपोन हो जाएं, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन 26 तारीख के बाद जब वहाँ बुध ट्रांजिट करेंगे, भद्र योग बनाएंगे, अपनी उच्च की राशि में बैठेंगे, तो स्थिति फिर आपके अनुकूल होनी शुरू हो जाएगी। यानी थोड़े समय की बात है, केवल 15 दिन की, फिर आपके विवाह शादी के संबंध बनेंगे, पति पत्नी का सहयोग, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। इससे पहले एक दूसरे की हेल्थ को लेकर आप चिंतित थे, आप टेंशन में थे, तो उसमें सुधार होगा, उसमें राहत आपको मिलेगी। कोई कार्य व्यवसाय, आप बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं या अपना कार्य कोई करना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए 15-20 दिन के लिए उसको स्थगित कर दीजिए। कोई बदलाव, कोई चेंजेस फिलहाल मत लाइए। 26 तारीख के बाद कोई बदलाव चेंजेस लाएंगे तो स्थिति आपके अनुकूल पक्ष में बनेगी, फिर आप तरक्की उन्नति करेंगे। और जो व्यवधान डिस्टर्बेंसेज आप अपने बिजनेस कार्य व्यवसाय में तो आपको देखने को मिल रहे हैं, वह सब आपके दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे लाभ की स्थिति की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, अचानक से चोट फेट एक्सीडेंट या कोई यूरिन की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, नसों की हड्डियों की प्रॉब्लम, कोई ब्लॉकेज, स्त्री है तो आप यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ये थोड़ी क्रिएट हो सकती है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। भाग्य आपको सपोर्ट करेंगे, चूंकि वहाँ पर मंगल देव की सौगरी दृष्टि पड़ रही है और उच्च के केतु वहाँ पर तो आपके भ्रमण कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, भाग्य उन्नति के तरक्की के आपको अवसर मिलेंगे। यहाँ भाग्य आपको पूरा सहयोग कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, कोई फाइनेंशियली लाभ भी आपको पिता की तरफ से मिल सकता है, तो कोई पिता की तरफ से कोई प्रॉपर्टी संपत्ति की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों को लेकर प्रयासरत हैं, तो कोशिश कीजिए, तो यहाँ पर सफलता आपको दिखाई दे रही है। लंबी दूरी की यात्राएं आप करना चाहते हैं, कोई धार्मिक स्थान पर जाना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगा, आप लाभ गेन करेंगे। ऑल ओवर यहाँ तरक्की उन्नति के आपको अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन यह ज़रूरी बनता है, जो आपको तरक्की उन्नति के अवसर यहाँ पर मिल रहे हैं, आप अपना आलस्य त्याग दें और थोड़ा पुरुषार्थ और थोड़ी मेहनत करें। यहाँ पर थोड़ा पुरुषार्थ और थोड़ी मेहनत करने से ही आपको बहुत अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आप तरक्की उन्नति करेंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से थोड़ा संघर्ष थोड़ा अधिक रहेगा, थोड़ा संघर्ष आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी स्थिति आपके पक्ष में अनुकूल में बनेगी। लेकिन ये जो आपका समय है फिलहाल, इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव मत लाएं। कोई नया कार्य व्यवसाय, आजीविका चलाने के लिए कैरियर से रिलेटेड आप जो भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, यानी आजीविका से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई बदलाव लाते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कतों का और संघर्षों का सामना करना पड़ेगा और संभवतः कि उतने फल की प्राप्ति आपको ना मिले, उतने शुभ फल आपको ना प्राप्त हो। तो इसलिए जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही रहने दें, उसमें आप तो अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, अपना संघर्ष करते रहें। यह समय स्थायी नहीं है, थोड़े समय के लिए है, आगे फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, फिर आप तरक्की उन्नति ज़रूर करेंगे और आपको सक्सेस मिलेगा। इसलिए धैर्य और संयम रखिए। कोई यहाँ पर बदलाव की स्थिति या कोई स्थान परिवर्तन या कोई नौकरी में परिवर्तन या कोई कार्य व्यवसाय में परिवर्तन फिलहाल के लिए मत कीजिए। जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें। लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, आपको अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम आपका बंद हो गया तो सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, उनका लाभ सहयोग आप यहाँ प्राप्त करेंगे, तो आपको फाइनेंशियली लाभ वहाँ से मिल सकता है। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। जो जातक विदेशों में है वहाँ तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, कोई लंबी दूरी की ट्रैवलिंग करते हैं, आपका कोई कार्य, कोई बिजनेस, कोई नौकरी करते हैं, तो आपके नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में तो आपका कोई मुकदमा वगैरह, कोई विचाराधीन है, कोई लंबित है, वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। ऑल ओवर देखिए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए यह जो माह है यह शुभ समाचार लेकर आ रहा है, आप तरक्की उन्नति करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती हैं। देखिए एक चीज़ थोड़ा समझ लीजिए आप,
यह जो फलादेश हम कर रहे हैं चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना बहुत बड़ा महत्व होता है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन जो सर्वाधिक महत्व है, जो आपकी जिंदगी का आधारभूत है, वह आपकी जन्म कुंडली लग्न कुंडली होती है। जब दोनों चीज़ों को टैली करते हैं, दोनों चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, तो शत प्रतिशत परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन भी होता है, और छोटे छोटे से उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, आप तरक्की उन्नति करते हैं। अगर मीन राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर आप ग्रहों की दशा अंतर दशा आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके पक्ष में आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित मानिए मीन राशि वाले जातक अगस्त माह में तरक्की उन्नति करेंगे, सक्सेस गेन करेंगे। और अगर वहाँ दशा अंतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तो इसका जो आपको शुभ परिणाम है वो 20-30% तक देखने को मिलेगा। इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस जरूर कराएं, उससे आप सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाती हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और आपको शत प्रतिशत परिणाम देखने को मिलते हैं। इस माह में जो आपको उपाय करने हैं, वह खास तौर से आप क्या उपाय कीजिएगा, इस माह में आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद चढ़ाएं किसी भी मंदिर में, घर के मंदिर में, और सभी को वितरित करें, और प्रतिदिन काली चींटियों को सफ़ेद पीसी हुई शुगर खिलाएं, और पक्षियों को सफ़ेद चावल खिलाएं, और एक हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें बहुत ध्यान लगाकर, और हनुमान जी की आरती करें, तो निश्चित रूप से आप थोड़े बहुत जो आपको दुष्प्रभाव शुक्र के यहाँ पर देखने को मिलेंगे उनसे आप बचेंगे, आप लाभ गेन करेंगे और तरक्की उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।